हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ बेबी क्रॉलिंग मैट का रिव्यू। ये जो मैट है ना, काफ़ी वायरल हो रखी है इंटरनेट पे, मतलब काफ़ी लोगों ने ये बाय किए हैं और काफ़ी करना चाहते भी होंगे। आप देखते होंगे ये मीशो और अमेजोन दोनों पे अवेलेबल है, तो मैं दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने जो ये मैट है ये मंगाई है मीशो से, तो चलिए इसको देखते हैं। इसका मैं रिव्यू आपके साथ ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करती हूँ कि आपको ये लेनी चाहिए या नहीं और ये वर्थ बाइंग है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो मैट मुझे आई थी बिल्कुल मतलब इसी पैकेजिंग में आई थी। ये आपको कवर दिख रहा है, ये सेलर ने ही कवर के साथ मुझे ये मैट भेजी है। मैं कुछ और भी सेलर्स के रिव्यू देख रही थी, उसमें जो है कई सेलर्स जो है कवर नहीं भेज रहे थे, लेकिन मैंने जिस सेलर से ऑर्डर की उसने जो कवर के साथ भेजी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि आपको इस कवर के समेत आप किसी पिकनिक पर जा रहे हो, किसी बीच पर जा रहे हो पिकनिक मनाने के लिए, मतलब कहीं भी कैंपिंग के लिए जा रहे हो, तो ये जो है आराम से इस पर डाल के कवर में डाल के लेके जा सकते हो। आपकी अपनी गाड़ी वगैरह पे वहाँ पे बिछा सकते हैं, मतलब मल्टीपर्पज़ मैट है। सिर्फ ये बेबी क्रॉलिंग मैट नहीं है, हम तो एज अ मतलब घर पे यूज़ कर रहे हैं, बेबी क्रॉलिंग करता है इस पर। तो इस पर जो है आगे मैं बताती हूँ आपका फीडबैक कि कैसी है कैसी नहीं, आगे मैं आपको इसके यूजेस भी बताऊँगी। तो चलिए इसको पहले ओपन करते हैं। तो देखिए ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग तो आपने देख ही ली है, इसको इस तरह का दिया है ओपन करने के लिए। जो जिप लॉक वाले लॉक नहीं होते हैं वैसा है, मतलब जिप नहीं है, जो जिप लॉक वाला प्लास्टिक वाला लॉक होता है ना, ऐसा कुछ प्लास्टिक दिया हुआ है जो सील वाला होता है। और देखिए इसको मैं कर देती हूँ ओपन, तो ये आ गई है मैट। अब ये है कुछ इसका डिज़ाइन, ये देखिए, और काफ़ी अच्छा साइज़ है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा साइज़ है। तो ये देखो ओपन कर लियो ये मैट, देखिए इसका साइज़। और ये मैं आपको साइज़ का आइडिया ऐसा देती हूँ कि जैसे ये है जैसे टाइल्स हैं, ये टाइल 2 फुट की टाइल है, ये 2 फुट की एक टाइल, 2 फुट, 4 फुट, ये 5-6 फुट, 6 फुट से भी बड़ी है देखो, मतलब एक बंदा आराम से लेट सकता है फुल, उसकी मतलब पैर भी बाहर नहीं जाएंगे सोच लो, और फिर भी थोड़ा सा जो है इस पर वदा है, एक्स्ट्रा जगह मिल जाएगी। और ये कुछ इसका डिज़ाइन है जो बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, देखो बच्चों वाला बिल्कुल एरोप्लेन बने हुए हैं, एक ना सिटी लुक दिखाया हुआ है, बिल्डिंग्स एंड कार्स, ये कुछ टावर से बने हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी टावर्स वगैरह, अब देखो। और ये देखिए अब मैं दिखाती हूँ आपको इसकी असली चीज़, ये देखिए इसके ना इतना जो है फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म पे क्या होता है ना, बच्चा आराम से क्रॉल कर सकता है। अब जैसे बच्चा डायरेक्टली यहाँ पे ज़मीन पे क्रॉल करेगा तो सोचो कितनी हार्ड सरफेस, इसके नीज पे ना हार्डनेस फील होती है लगता है, और बच्चे ना क्रॉल भी नहीं करते। आपने नोट किया होगा पैरों पर, जिनके मतलब फ्लैट्स में रहते हैं ऐसे पत्थर है, तो वो अपने नोट किया होगा पैरों बाहर चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि नीज पे जो है दर्द होती है इतनी हार्ड सर्फेस पे क्रॉल करने से। तो जब स्टार्टिंग फेज हो तो फिर बच्चों के लिए ये मैट बहुत ही अच्छी है, इस पर क्रॉल करना वो आराम से सीख सकते हैं, क्योंकि ये चुभती नहीं है, बिकॉज उस पर इतनी अच्छी फॉर्म दी हुई है ना, तो ये चुभेगी नहीं बच्चों के ना नीज़ को, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और देखो काफ़ी अच्छा सरफेस एरिया भी मिल जाता है क्रॉलिंग करने के लिए, नहीं बहुत छोटी सी मैट है, बच्चा कहाँ क्रॉल करेगा, बहुत अच्छा सरफेस एरिया मिल जाता है। जैसे ही आपका बच्चा बड़ा हो रहा है फिर तो चलो वो बाहर भी निकल जाए है ना, तो वो आराम से मतलब तब तक सीख चुका होता है, लेकिन जब सीखने के लिए बच्चों को टमी टाइम देने के लिए ये जो मैट है बहुत अच्छी है। इस पर आप मसाज दे सकते हो, बच्चों की मालिश कर सकते हो, क्योंकि बेस्ट पार्ट ये है कि बिल्कुल वाटरप्रूफ मैट है, अगर इस पर कुछ भी गिर जाता है तो आपने बस गीला कपड़ा लेना है, इसको साफ़ कर देना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि यार इसको धोना पड़ेगा या ऐसा कुछ, कुछ भी नहीं, बिल्कुल वाटरप्रूफ मैट है ये देखिए, इसके अंदर ना फॉर्म है और वाटरप्रूफ मैट है ये। थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ अंदर क्या चीज़ है, एक्चुअली ना थोड़ा सा ये ना कट लग गया, हमारी गलती है, इस पर ना शार्प ऑब्जेक्ट लग गई थी हमसे, ये देखो कुछ ऐसी सी फॉर्म दी हुई है, ये नहीं कि पहले ही ऐसे आया था, ये हमसे कोई शार्प ऑब्जेक्ट लग गई थी उस कारण फट गया था, तो ऐसे कुछ फॉर्म है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये है एक साइड से प्रिंट, और मैं आपको दूसरी साइड का प्रिंट दिखाती हूँ दोस्तों, वो भी बहुत अच्छा है, रिवर्सिबल मैट है देखो, ये देखो दूसरा प्रिंट तो बहुत ही क्यूट सा, जैसे मैंने बताया था ना पिकनिक पे आपने जाना हो वो प्रिंट नहीं, तो आप ये प्रिंट लगा सकते हो, कुछ ऐसे ना क्रिसमस वाइब्स हैं इस पर, देखो क्रिसमस ट्रीज बने हुए हैं, ऊपर स्टार लगा हुआ है क्रिसमस ट्री के ऊपर, हार्ट सी बनी हुई है, ये देखो आउट प्रिंट, बहुत ही अच्छा प्रिंट है दोस्तों, दोनों ही प्रिंट्स बहुत है, ये थोड़ा क्यूट में है, वो थोड़ा बच्चों वाला है, सो ऊपर में ये लगता है, बहुत ही अच्छे प्रिंट्स हैं, मतलब आप देख लो।
और बिछाई हुई मतलब बहुत अच्छी लगती है। आप घर पे बिछा के बस रखो बच्चों के लिए, बच्चों वाला घर है स्पेशली, वो इस पे आप खा पी भी सकते हो, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए। ये भी नहीं कि जरूरी बच्चों वाला घर है तभी आप इसको लो, बच्चों वाला घर नहीं भी है तो आप इस पे बैठ के खा सकते हो। और कुछ भी स्पिल होता है, कुछ कोल्ड ड्रिंक गिर गई, पानी गिर गया, कुछ खाने पीने की सब्जी वगैरह गिर गई, तो आराम से गीले कपड़े से क्लीन करो और उसी टाइम क्लीन, कोई झंझट ही नहीं कि धो। जैसे कोई कपड़े वाला मैट बिछाते हैं उसको धोना पड़ जाता है ना, स्मेल मारनी शुरू हो जाती है, पर आप ना धो उस पर खाते रहे हो, खा रहे हो लगातार, और वो अच्छा भी नहीं लगता ना, दाग वगैरह से लग जाते हैं एक ही बार में, दूसरी बार आप बैठते हो अच्छा भी नहीं लगता। ये देखो साथ में कुछ भी गिरा है, साफ़ किया और बिल्कुल क्लीन हो गया। तो चलो आपको मैं ना सभी यूजेस गिना देती हूँ इस मैट के। पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, बच्चों के क्रॉलिंग के लिए, उनकी मालिश करने के लिए, उनको टॉयस लेके उनको बिठा सकते हो, खेल सकते हो उनके साथ यहाँ पे, क्योंकि फॉर्म दी हुई है तो अच्छा है ये वाला मैट। और दूसरा इस पर आप खा पी सकते हो, है ना, अपने पूरी फैमिली के साथ नीचे बैठ के, जिनको खाने की आदत है फैमिली के साथ बैठ के खा पी सकते हो, और कुछ भी गिरता है तो आराम से ये साफ़ हो जाएगा क्योंकि वाटरप्रूफ मैट है बिल्कुल। और तीसरा पिकनिक्स वगैरह पे आप लेके जा सकते हो, क्योंकि बीच वगैरह पे जाते हैं तो देखो कितनी जैसे फोल्ड हो जाती है, आपने देखा ही होगा कि ये फोल्डेबल थी ना, तो ऐसे फोल्ड कर लो, आपको जितनी खोलनी है उतनी खोल लो भाई, बाकी फोल्ड कर लो। ये देखो मैंने कर दी इसको फोल्ड, कि आप कहेंगे इतनी बड़ी पिकनिक पे कहाँ लेके जाएंगे, इतनी बड़ी क्या करेंगे, देखो छोटी बन गई। आप जितना इसका साइज़ करना चाहते हो उतना साइज़ कर लो, इसकी यही तो बेस्ट चीज़ है, स्टोरेज में भी बिल्कुल इजी है, और जितना आपने खोलनी है उतनी खोलो, और जितना देखो अब कम खोलोगे तो उसकी ऑब्वियसली फॉर्म भी ज़्यादा हो जाएगी और मोटी लेयर बन जाएगी, है ना, बैठने के लिए और सॉफ्ट लगेगा। तो अगर आपका मंदिर, आपका डेडिकेटेड मंदिर है आपके घर में कोई, तो मंदिर में भी छा सकते हो। तो चलिए आई होप आपको ये जो है वीडियो अच्छी लगी होगी और मैट का रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।